मैं कौन हूँ, मेरी छोड़। मैं बताती हूँ कि तू कौन है। तू मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन जो मेरी सौत बन गई, मेरी सौत जो मेरी दुश्मन बन गई। तेरी माँ ने मुझसे मेरा ऋतिक छीन लिया और तू मुझसे मेरा रॉकी छीन रही थी। पहले माँ और फिर बेटी, दो बार मैं अपना प्यार कैसे छीनने देती। एक इच्छाधारी नागिन का प्यार कोई नहीं छीन सकता। जो एक इच्छाधारी नागिन के प्यार से प्यार करता है, जो एक इच्छाधारी नागिन के प्यार पे मरता है, वो मर जाता है। और तुझे भी मरना होगा शिवांगी, तुझे भी मरना होगा। काली नागिन, तू उसे कुछ नहीं करेगी। छोड़ दे उसे। आ गई पलटन, आओ पंडिताए, आओ ठकुराइन। तुम लोगों ने मेरी बहुत बचाई है। क्या कहकर लाए थे मुझे कि तुम इस लड़की को अगवा करोगे, पर तुम लोग तो शादी करवा रहे थे, इसे मेरी रॉकी की दुल्हन बनवा रहे थे। नहीं, अब मैं तुम लोगों पे विश्वास नहीं करूंगी। अब ये मरेगी, इसे मरना ही होगा। और तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही रहेगी, ये काली नागिन। कहा था ना मैंने, कहा था ना कि ये काली नागिन कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। कर दिया। और तूने मुझसे क्या कहा था? ये मुझसे डरती है। तो जा ना, जाके डराओ उसे। मेरी नागमणि की चाबी मुझे दिलाओ। हटाओ इस काली नागिन को यहाँ से। दिखाओ अपनी माहिष्मती की मती, जलाओ अपने दिमाग की बत्ती। अरे बुद्धि भ्रष्ट माहिष्मती, कुछ कर। देख काली नागिन, आज कोई गलती मत करना। अगर ये लड़की खत्म तो नागमणि खत्म। ए मक्खी की औलाद, ज्यादा भिन भिन मत कर। मैं जानती हूँ कि मैं तुझे सिर्फ नागमणि तक ले जा सकती हूँ, उसे छू नहीं सकती। पर तेरा इसका उसका सबका भला सोचूंगी तो मेरा भला कौन सोचेगा? तुम लोग इसे लेके उड़ जाओगे, ये रॉकी को लेके उड़ जाएगी, और मैं तुम लोगों का मल्टी कलर मुंह देखूंगी। और तुम धोखेबाजों, तुम तो मुझे अपना मुंह भी नहीं दिखाओगे। इसलिए मैं सिर्फ अपना भला सोचूंगी, और मेरी कदर तब होगी जब मैं इसे मार दूंगी। अब ये नहीं बचेगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इसे मैं। तुम लोग मेरी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम नहीं जानती, जिसे तुम मार रहे हो वो शिवांगी नहीं, शिवन्या है। माँ, तो जल्दी यहां से निकल जाकर शिव मंदिर पहुंच। क्या हुआ माँ? बाहर सब है, सपना है, गौतमी है, रॉकी उसका पूरा परिवार है। क्या हुआ माँ? माँ, माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा, बाहर डाकू ने हमला कर दिया है, सबके सर पर बंदूक तानकर खड़े। तू जा यहाँ से, जल्दी जा, जा। पर माँ सबकी जान खतरे में है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो कभी भी आते होंगे। तू जा। और तुम? मैं सपना और गौतमी को लेकर आती हूँ। हाँ नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं, तू मेरे साथ नहीं आ सकती। कहा ना जल्दी शिव मंदिर जा, पहुंच। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, चाहे जो हो जाए। मैंने कहा ना, डाकू खड़े, सर पर बहुत मन रहा है।
जल्दी जा यहाँ से। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। शिवांगी, 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 शिवांगी प्लीज दरवाजा खोलो। शिवांगी माँ, रॉकी माँ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं, ये सब क्या हुआ माँ? ये सब शिवांगी, सॉरी बेटा, तेरी भलाई के लिए करना पड़ा। शिवांगी, शिवांगी, वो ये शिवांगी, वो क्या हुआ? वो डाकू बुआ, वो शिवांगी, मैं आ गई हूँ। शिवांगी कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर शिवांगी। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, तू एक काम कर, जल्दी से शिवांगी को लेकर निकल यहाँ से, वो अभी बेहोश है, उसे लेकर जल्दी से शिव मंदिर पहुँच, वहाँ गुरुदेव गोरखनाथ है, वही तुम लोगों के लिए सुरक्षित स्थान होगा, चल जल्दी कर। पर बुआ, मेरी चिंता मत कर, तू जा यहाँ से, शिवांगी को लेकर जा, अभी निकल, एक मिनट। मौत को तुझ तक पहुंचने से पहले मुझे छूना होगा। तू हमेशा कहती है ना, माँ हम एक जैसे लगते हैं, तू आज तेरे साथ जो कुछ होना था सब मैं अपने ऊपर ले लूंगी। अगर तेरी किस्मत में मौत भी लिखी थी तो वो मौत मैं मरूंगी, और किसी को पता नहीं चलेगा, मगर शिवांगी नहीं, शिवान्या हूं। माँ, माँ कहाँ है? नहीं काली नागे, तू इसे कुछ नहीं करेगी, हमें इसकी जरूरत है। तो आओ, बचा सकते हो तो बचाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरे और रॉकी के बीच आएगा मैं उसे छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तो इसे ऊपर से नीचे छोड़ूंगी। मैं हूं नागिन। जय भोलेनाथ। मत जा बेटी। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। वहाँ तेरी जान को खतरा है। गौतमी, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? तुझे माँ के पास रुकना चाहिए था ना, उनसे पूछना चाहिए था कि वो लोग कौन है, ये सब क्या हो रहा है। तू ना अकेले क्यों छोड़कर चली आई? मैं बहुत डर गई थी, उन लोगों ने सपना को जान से मार दिया मेरी आंखों के सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं नहीं आना चाहती थी वहाँ से अकेला, पर बुआ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। मुझे क्या गलती है,
वहां अकेले होंगी, मुझे अभी क्या भी नहीं आने का। बेटी रुक जा, वहां खतरा है। ये किसी साधारण मधुमक्खी का नहीं, महेशमती के जहर का डंक है। 25 साल तक तुझे जिंदा रखा इस दिन के लिए कि तू सूर्यवंशियों का वंश मुझ तक पहुंचाएगी, ऋतिक का चिराग मुझ तक पहुंचाएगी। लेकिन तूने उस चिराग को अंधेरे तले बंद कर दिया। अब तू जी के क्या करेगी? चल मार। रुक जा, अपनी मक्खियों को रिटर्न भेज। एक यही बची है जो हमें वो नागमणि दिलाएगी। इसे बचा रही है तो इस नागमणि हमारे पास हमारे... और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके पास कौन सा रास्ता है? ये हमें सिर्फ वहां तक पहुंचा सकती है जहां नागमणि है। नागमणि उठा नहीं सकती तो फिर ये जी के क्या करेगी? अरे यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक यही है जो हमें नागमणि तक ले जा सकती है। जब वो समय आएगा, जब वो नागमणि दोबारा आएगी, तब उसे उठाने वाली हम ढूंढ लेंगे। अब मेरा मतलब है कि कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे। ऐसे घूर के मत देख। ठीक है, अपना मुंह खोल और इसे खत्म कर दे। नागमणि उठाना तो दूर, उसे देखना भी हमें नसीब नहीं होगा। अब अगर और 25 साल तू अपने किले में कैद रहना चाहती है तो ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करती हूँ, नहीं बोलूंगी। तू अपना मुंह खोल और इसे खत्म कर दे। जय माता दी। आज पहली बार ऐसे लग रहा है कि माता आई है। पहले ही मुझे मेरा रॉकी दे देते तो ये सब नहीं होता ना। ये लड़की भी नहीं मरती। अब मर गई तो मर गई। अब रॉकी की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। नहीं होगी ये शादी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये शादी तभी होगी ना जब रॉकी को यकीन हो जाएगा कि शिवांगी मर गई। और जब तक शिवांगी की लाश वो नहीं देखेगा, वो इस शादी के लिए कैसे हाँ कहेगा? और तूने काली नागिन उसे नीचे टपका दिया ना? ओवर एक्टिंग की दुकान। सीधे सीधे बोला कि तुझे शिवांगी का मुर्दा चाहिए। तो ठीक है, शिवांगी, बड़ी माँ,
शिवांगी। ये हो क्या रहा है? बड़ी माँ, शिवांगी। ये ले, शिवांगी का मुर्दा। अब तो रॉकी मान जाएगा ना? शिवांगी! बड़ी माँ, शिवांगी! बड़ी माँ! अगर तुम सबको नागमणि तक पहुंचना है तो शुरू हो जाओ। ए और एक्टिंग की दुकान, चल अपनी दुकान खोल। चली गई तू, जरूर किसी की नजर लगी है तुझे। ये क्या हो गया? हम तुझे नहीं बचा सके। रॉकी बेटा, हम उसे नहीं बचा पाए। डाकू घुस गए थे दरवाजा तोड़ के, ऐसे मार दिया था उसे, उसे उठाकर वो लोग भाग गए। हम उनके पीछे पीछे भागते आए, वो आगे हम पीछे, भागते भागते हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। वो चले गए। शिवांगी! रॉकी, क्या हुआ? बड़ी वो बुला रहे हैं मुझे। कौन? शिवांगी, बड़ी मां वो पुकार रहे हैं मुझे। He's calling, शिवांगी! शिवांगी? नहीं बेटा, ये तेरा भ्रम है। तेरा प्यार, तेरी शिवांगी तो वहां है, वो मर चुकी है। Ah!
ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? शिवांगी नहीं मर सकती, हमारी शादी होने वाली थी। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, ये सच नहीं है, शिवांगी नहीं मर सकती, बड़ी बात शिवांगी नहीं मर सकती। ओवर एक्टिंग की दुकान, और थोड़ी ओवर एक्टिंग कर ले। शिवांगी, तेरी जान को खतरा है, चल यहाँ से। नहीं, मुझे रॉकी से मिलना है, उससे बात करनी है, उसका पूरा परिवार वहाँ पर है, बड़ी माँ भी तो है, शायद उनको पता हो कि माँ कहाँ है। तेरी माँ की मौत हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ कैसे मर सकती है? वो मर चुकी है, और जिन लोगों को तू अपना कहती है वो अपने नहीं दुश्मन है, तेरी माँ के दुश्मन, तेरे दुश्मन। क्या जानती है तेरी माँ कौन थी? शिवन्या? नहीं, वो कोई और थी। कोई और मतलब? जानना चाहती है कौन थी वो? पूरा सच। उसने तुझे छुपाया, क्यों छुपाया और कौन थी वो? नहीं नहीं शोना, ऐसे नहीं रोते ना बाबू ना। देख मेरे नाखों से आंसू नहीं रुक रहे। बड़ी मालिक, बहुत चल रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही ग्लिसरीन लगा ली। रॉकी बेटा, तू ऐसे रोएगा तो कैसे चलेगा? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो किसी और से प्यार क्यों करता है? कितना दर्द होता है जब अपना प्यार किसी और के लिए रोता है। कोई बात नहीं, ये दर्द मंजूर है मुझे, तुम्हें पाने के लिए उसे तो मारना ही था। तुम मेरा प्यार हो, एक इच्छाधारी नागिन का प्यार। धारी नागिन थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? मेरी माँ कोई नागिन नहीं थी। वो एक नागिन थी, फिर नागिन से इंसान बनी। वो चाहती थी कि तेरी शादी जल्दी हो जाए, तेरे 25 साल पूरे होने से पहले। सिर्फ 3 महीने में जन्म हुआ था तेरा, और जो सिर्फ नागिन के साथ होता है। और तेरी माँ को डरता कहीं वो तेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तुझे लेने आए थे, क्योंकि नागमणि सिर्फ तू ही उठा सकती है। और तुझे क्या लगता है, वो लड़के का आना, वो तुझसे प्यार करना? नहीं, वो प्यार नहीं था, वो बिछाया हुआ जाल था। पर मैंने तो उससे सच्चे मन से प्यार किया था। मेरा मन नहीं मानता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। देखना चाहती है? शिवांगी का क्रियाकर्म करना है, उसका ही नहीं उसके पूरे परिवार का। ऐसा करने से उसको और उसके परिवार को मुक्ति मिलेगी।
उन्हें मुक्ति दे दो रॉकी। तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी, और एक नागिन की आंखों में उसके कातिलों की छवि कैद हो जाती है। देख देख अपनी माँ की आंखों में देख। देख लिया अपना प्यार? तेरी माँ ने अपनी जान दी, तुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। वो नहीं चाहती थी वो महेश्वरी वो यामिनी तुझे यहाँ से ले जाए। तू सूर्यवंशी घराने की इकलौती वारिस है। तेरे बाबा पंचनेर के सूर्यवंशी राजा संग्राम सिंह का बेटा ऋतिक। नागमणि के लालच में उसने अपनी भाभी को मार दिया था। नागमणि मेरी हवेली के अंदर है और मैं उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रही हूँ। राम नाम सत्य है। और कातिलों की छवि शिवन्या ने अपने माँ बाप की आंखों में देख ली थी। शेषा और शवन्या दोनों बहनें थी और नागमणि की रक्षा करती थी। इंतकाम अब शुरू हो चुका है, अब होगा बदला, मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। हर हद पार करूंगी, अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। वो मौनी अमावस की रात थी। ऋतिक और शिवन्या ने नागमणि बचा ली और महेश्वरी फिर से दीवार के उस पार कैद हो गए। शिवन्या ने तो कहा था कि उस रात यामिनी को तो उसने मार दिया था, और आज फिर वो यहां कैसे, निकुंज परिवार के साथ कैसे।
अब रॉकी ने मेरी मेरी माँ को रॉकी ने मेरी माँ को मार दिया। रॉकी ने माँ को मार दिया। शिवांगी, मुझे शिवांगी के पास जाने। रॉकी भाई संभाल अपने आप को, शिवांगी मर चुकी है यार। मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। कर दिया उन्होंने, उनके परिवार के गुरु ने कर दिया। देख रॉकी, मैं जानता हूँ तेरे लिए मुश्किल होगा, पर उसे भूल जा यार, वो नहीं रही अब तेरे लाइफ में। चले जाओ यहाँ से, just leave me, just leave me। पर रॉकी तू सुन तो, just leave me, get out। रॉकी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रॉकी, नहीं कर सकता, नहीं जी सकता शिवांगी, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मैं। नहीं, नहीं जी सकती मैं उन यादों के साथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी याद। निकाल दूंगी मैं तुम्हें अपने दिल से, अपनी आत्मा से। नहीं चाहिए। मां, नहीं निकाल सकता तुम्हें अपने दिल से शिवांगी, अपनी यादों से। क्यों मुझे छोड़ के चली गई शिवांगी? क्यों शिवांगी, व्हाई? तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी। माँ इच्छाधारी नागिन तो किसी ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? और माँ ने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? क्या कोई नहीं जानता था कि माँ एक इच्छाधारी नागिन थी? क्या मामा मामी जानते थे? क्यों मुझसे छिपाई इतनी बड़ी बात? क्यों? इतने सवाल, एक भी जवाब नहीं। कौन देगा जवाब? मुझे जवाब चाहिए। नागलोक और उससे जुड़ी कथाएं, नागलोक से जुड़ी होती है एक इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी। 100 साल की तपस्या के बाद नाग नागिन इच्छाधारी बनते हैं, मौनी अमावस्या की रात बनते हैं। पर एक नागिन की कोख से जो औलाद पैदा होती है वो इच्छाधारी है या नहीं, वो नागिन बनेगी कि नहीं, वो उसके 25 साल पूरे होने के बाद पता चलता है। अगर वो नागिन है तो नागलोक से जुड़ी, नागलोक की बनेगी। पर अब मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी शादी। तू
बस शादी करके अपने घर चली जा और मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर। तो क्या इसका मतलब मैं भी एक नागिन को शिव का वरदान हो तो वो इच्छाधारी नागिन बन सकती है। नागिन कोई भी रूप बदल सकती है। बीन की धुन सुनकर वो मग्न हो जाती है। वो किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो सजा पाती है, उसके साथ साथ उस इंसान की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। एक नागिन का बदला सबसे बड़ा बदला होता है। वो अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। उसकी मौत के बाद उसके या उसकी प्रेमी की आंखों में उनके कातिलों की छवि दिखती है। माँ, मैंने उनकी छवि देख ली है। वो नजारा कैद है मेरी आंखों में। कितनी बेरहमी से मारा था उन लोगों ने तुम्हें। मार डालूंगी सबको मार डालूंगी पर कैसे? मैं तो नागिन नहीं हूँ। तुम्हारे लिए इंतकाम लेना चाहती हूँ माँ, पर कैसे लूं? कुछ तो बताओ माँ। कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ? बेटा, ऐसी बहुत सी बातें जो मैंने तुझे कभी नहीं बताई सब बताऊंगी, पर अभी जो मैं कह रही हूँ वो कर, मेरे लिए कर। हमेशा कहती थी कि बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो कभी कुछ मुझे बताया क्यों नहीं माँ? पापा आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए, क्यों? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं क्या होगा? क्या करूं मैं? जवाब दो, कोई तो जवाब दो। तू तो भगवान है, शिव है, केवल मंदिरों में नहीं कण कण में है तू, इस पूरे ब्रह्मांड में तू है। इस ब्रह्मांड को तूने बनाया है। कुछ लोग तुझे काल कहते हैं तो कुछ काली, कुछ शिव कहते हैं तो कुछ शिव शक्ति। तेरे अनेकों रूप हैं, हजारों नाम, पर तू तो एक है ना, सबका भगवान। तू सर्वज्ञानी है, सब जानता है तू। आज तुझको मुझे बताना होगा। बता मुझे, जवाब दे, जवाब दे। क्या करूं मैं? क्या? आ